हम अभी ब्रेक से पहले जो डिस्कस कर रहे थे, हमने तीन कंपोनेंट्स देखे। एक एक हमने लेवल टू पल्स कन्वर्टर देखा। हमने कहा कि जब भी हमें एक लेवल सिग्नल को पल्स में कन्वर्ट करना हो सिंगल साइकिल में, तो हम ये वाला सर्किट यूज कर सकते हैं कि जस्ट एक साइकिल रजिस्टर करें, अगर पुरानी वैल्यू 0 थी, नई वैल्यू 1 थी, तो इसका मतलब है कि सिंगल साइकिल पल्स जनरेट हो जाएगी। दूसरा, हमने एक सिंपल सिंगल रजिस्टर के, अगर मैं चाहता हूँ कि किसी भी बाहर से एक सिंगल साइकिल पल्स आ रही हो जिसपे मैं 1 कर दूँ, और दोबारा कोई और सिंगल साइकिल पल्स पे मैं क्लियर करूँ, तो मैं एक रजिस्टर बना सकता हूँ जो कि 1 हो जाए जब मैं इनेबल करूँ, क्लियर हो जाए जब मैं उसको रीसेट या क्लियर करूँ, तो ये काम हो सकता है। और तीसरा, हमने ये काउंटर देखा और इसको हमने 1 मिली सेकेंड पहले हमने बनाया, फिर हमने 1 सेकेंड के लिए भी बड़ा कर दिया कि जो सिंपल क्लॉक्स को काउंट किए जा रहा है, और जैसे ही वो 9999999 होता है, तो वो आप काउंट टावर को क्लियर कर देते हैं, तो फिर वो 0 से 9999 जाता है। तो जब भी वो क्लियर कर रहे होते हैं, तो वही हमारी अगली एक पल्स भी बन जाती है। ओके, सो अब मैं एक डिजाइन एग्जाम्पल करना चाह रहा हूँ, और वो है कि हम एक सिंपल डिजिटल क्लॉक बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो डिजिटल क्लॉक का मतलब है कि हमारा जो क्लॉक, जो कि जिस पे टाइम आ रहा होता है हमारा, जिस तरह अगर मैं ये जो बॉटम पे आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि 5:24 हुए हैं, तो इस तरह मैं जाता हूँ, तो हमारा जो FPGA बोर्ड है उसके ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो FPGA बोर्ड के ऊपर हमारे पास ना 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे हुए हैं। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, आप लोगों ने लैब्स की हुई है उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन अब FPGA के ऊपर 4 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे हुए हैं, ठीक है, जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ इवेंचुअली मैं इस क्लॉक को मैं आवर्स और मिनट्स जो है ना वो शो कर सकूँ। ठीक है, और हमारा जो FPGA बोर्ड है Nexus 3, उसका हम देख लेते हैं कि लेट्स से कि मैं कहता हूँ Nexus 3 रेफरेंस मैनुअल ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन मुझे इसका, अच्छा ये तो PDF बनेगी, लेट्स से मैं PDF के बजाय इधर ही खोल लेता हूँ। ओके, सो मैं इसका कहीं पे क्लॉक या ऑसिलेटर बताया होगा कि जी क्लॉक कौन सा है। ठीक है, ऑसिलेटर इतना चल रहा है, और कितना है यार, 100 मेगाहर्ट्ज था कि, हाँ ये है सिंगल 100 मेगाहर्ट्ज का हमारा क्लॉक बाहर से आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी मैंने पिछली एग्जांपल में अजम्पशन की थी वही अजम्पशन है। ठीक है, तो मेरे पास बाहर से इनपुट आ रहा है क्लॉक, ठीक है, जो कि 100 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरे डब्बे जो मैं बनाऊं उससे मैं आगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव कर सकूं। ठीक है, ये जितने भी 7 सेगमेंट है। ठीक, तो ये एक हमारा मिनी प्रोजेक्ट हो गया, जो कि हम अभी इस क्लास में और अगली क्लास तक लेट से मैं भी इसको हम कंप्लीट करना चाहेंगे। पहली चीज ये है कि मैं ये चाहूंगा कि मुझे क्या आउटपुट चाहिए, आर्स और मिनट्स। ठीक है, ये आर्स आ रहे हैं, ये मिनट्स आ रहे हैं। ठीक, एक पार्ट तो है कि मैं उसको डिस्प्ले कैसे कराऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे एटलीस्ट एक नंबर तो चाहिए ना कि इस वक्त आवर्स और मिनट्स क्या चल रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास मैं दो हिस्सों में तोड़ देता हूँ। ठीक है, तो टिपिकली जब आप कोई भी डिजाइन करने जा रहे होते हैं ना, तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उस डिजाइन को ब्रेक कर सकें इन इन स्मॉलर चंक्स, जो कि आप आपके लिए मैनेजेबल हो। ठीक है, अगर मैं ये कहूंगा 400 मेगाहर्ट्ज का क्लॉक आ रहा है और 7 सेगमेंट आउटपुट है, तो ये डायरेक्टली मुझे थोड़ा सा बड़ा टास्क लग रहा है कि मैं इसको मैनेज कर सकूं। तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जैसे वो कहते हैं गुरु ने आकर ना इधर डिवाइड एंड रूल किया, कि भाई इधर लोगों को
डिवाइड कर दिया कि भाई तुम जाट हो तो तुम जो ना बंगश हो तो तुम कहते हैं फलां राई हो तो क्या हो जो भी हो, तो जात पात में तोड़ दिया, इलाकों में तोड़ दिया कि तुम पठान हो तुम पंजाबी हो फलां हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो मैनेज करना आसान होगा। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल। ठीक है, लोगों को डिवाइड करो और उन पर रूल करो। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी तरीका यही होता है, लेकिन सिर्फ ये होता है कि उसमें आपने डिवाइड करने का मकसद उनको आपस में लड़ाना नहीं होता, बल्कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि आप प्रॉब्लम को ऐसे तोड़ना चाहते हैं कि आपके लिए हर हिस्सा मैनेजेबल रह सके। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी एक इनपुट आ रही है क्लॉक। ठीक है, तो मैं टॉप लेवल पे आपको तोड़ देता हूँ। ठीक है, आपने बाद में अपना प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा सोचना शुरू करें, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में इंशाल्लाह कि वो किस तरह से करना है। लेकिन उसमें भी यही काम ही होगा कि आप पहले तोड़ेंगे, दो बंदे हैं तो एक बंदा एक काम ले लेगा, दूसरा दूसरा ले लेगा। तो हमारे केस में लेट से क्लॉक आ रहा है, पहली चीज ये है कि मैं आवर्स और मिनट्स इससे निकाल सकूं। ठीक है, कि मैं इधर कुछ भी बनाऊं जो के आवर्स और मिनट्स निकाल सके। ठीक है, और ये एज अ नंबर निकाल सके। ठीक है, तो आवर्स जो है वो किस किस रेंज में होते हैं नॉर्मली, बल्कि मिनट्स किस रेंज में होते हैं, 0 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्या 60, आप कभी 60 देखा है आपने घड़ी पे लिखा हुआ? 59 सर, 59 सर। 59 के बाद वो दोबारा 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि ये 59 तक जाना है। और आज ये 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 12 12 तक। तक जाते हैं, या बास का अगर हम 24 घंटे वाली हो जिसमें हम 12 बजे के बाद एक को 1300 कह दें तो हमारे लिए जरा इजी हो जाएगा, हम सिंप्लीफाइड वर्जन बना लेते हैं, एएम पीएम नहीं डालते लट से, तो तब कहाँ तक जाएगा? 23, 24, 23, 23 तक, क्योंकि 23। 24 जो है वो दोबारा 0 हो जाता है, तो 23 59 के बाद 0 हो जाता है। तो अब आप सारे माशाल्लाह लॉजिक डिजाइन के चीते बन चुके हैं, तो इसके लिए मुझे बताएं ना कि कितनी बिट्स काफी होंगी अगर मैंने एक नंबर बनाना हो जो कि 59 तक स्टोर कर सके। अगर मैं 4 बिट रखूं तो क्या मैं उसमें 59 स्टोर कर सकता हूँ? नो सर, कहाँ तक स्टोर नो कर, सर, 4 बिट में? 16 तक। 15 तक, तो ये 0 से 15। ठीक है, जी जी 15 16 तक जी में भी, 15, 5 बिट हो तो कहाँ तक कर सकता हूँ? 32, 31 तक, 64 इकहत्तर तक, तक। ये ठीक है, 64 वाला बनेगा। तो 6 बिट हो तो कितना कर सकता हूँ? 5 हो तो 32, 6 हो तो 63। 63, तो 59 उससे छोटा है, तो इसका मतलब है 6 बिट्स अगर मैं रख लूं तो वो 59 तो उसमें लिखा जा सकता है। और इसी तरह 23 के लिए मेरा ख्याल है 5 बिट भी काफी होंगी, क्योंकि 5 बिट में 31 तक जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इधर से ये 5 बिट बाहर आ रही हो आर्स की और 6 बिट आ रही हो मिनट्स की, और ये सर्किट मैंने ये जो मैंने क्लाउड सा बनाया है ड्रॉ कर, और फिर मैं एक और क्लाउड सा बनाना चाहता हूँ जो इनपुट ले आर्स और मिनट्स, और उसकी बेस पे वो 7 सेगमेंट्स जो चारों हैं, ठीक है, उनको ड्राइव कर सके। ठीक है, सो हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया कि एक इस लाइन के राइट साइड वाला हिस्सा जिसमें जो कि ज्यादा डिस्प्ले से रिलेटेड है, ठीक है, और ये जो है ये आवर्स और मिनट्स जनरेट करने की लॉजिक बन गई। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड किया, तो डिवाइड एंड रूल इस तरह से हम करेंगे कि हम इनको आपस में लड़ाएंगे नहीं, बल्कि हमने इसको इतना अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे कि दूसरी साइड को इस साइड से कोई गर्ज ना हो। कि राइट साइड वाला डिजाइन में जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनकी जो इंटरफेस है वो बड़ा क्लियर हो, किसी को कोई उभाम ना रहे कि क्या करना है। तो अब अगर आपके लेट से कि आप ये कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं और 2 बंदे होते, तो आप एक को कहते हैं कि भाई तेरा काम है कि तूने मुझे आवर्स और मिनट्स देने हैं। ठीक है, दूसरा बंदे को कहते हैं कि भाई तुझे इसकी फिक्र नहीं है कि आर्स और मिनट्स कैसे जनरेट होने हैं, तुम्हें 5 मिनट 5 बिट में आ जाएंगे आर्स, 6 बिट में आ जाएंगे मिनट्स, तुमने उनको सिर्फ 7 सेगमेंट के ऊपर डिस्प्ले करवाना है।
तो इस तरह जब दो हिस्सों में तोड़ दिया तो दोनों को अपने अपना रोल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो वो जो बंदा इस तरफ की लॉजिक बना रहा है वो इधर फिक्स वैल्यूज दे दे के चेक करता रहेगा कि भाई सेवन सेगमेंट ठीक काम करेंगे नहीं। जो इस किस्म इस तरफ लेफ्ट साइड पे है वो देखता रहेगा कि आवर्स और मिनट सही जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो डिस्प्ले कैसे करने है, वो बाइनरी में ही नंबर देख कर खुश होता रहेगा या डेसिमल में। तो यहाँ तक चीज समझ आ रही है कि डिवाइड करने का फायदा क्या है। अब डिवाइड करने में लेफ्ट साइड वाला और राइट साइड वाला छोटा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जो ओवरऑल बड़ा प्रॉब्लम था। तो ये हम करना चाहें, तो ये समझ आ रही है कि क्यों किया थोड़ा हमने? आसानी के लिए सर जी, आसानी के लिए, बिल्कुल आसानी के करने के लिए, ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया प्रॉब्लम। लेट्स से कि मैं इस साइड वाले प्रॉब्लम पे अब सिर्फ फोकस करूं, ये जो इस साइड वाला है कि क्लॉक आ रहा है बाहर से और मैं चाहता हूं कि एक मिनट के बाद बेसिकली मैं चाहता हूं कि ये मिनट्स जनरेट करूं पहले, ठीक है। तो आर्स तो बाद में जनरेट होंगे, पहले मिनट्स जनरेट करना चाहता हूं, तो वो कैसे जनरेट करूं? इनमें भी दो हिस्सों में तोड़ देता हूं, एक है आर्स एक है मिनट्स, ठीक है। ये लाइफ का वैसे जनरल असूल है, जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हो ना, लेट से आपको पांच छह चीजें तंग कर रही हैं, ठीक है, तो बंदा बड़ा इरिटेटेड सा फील करता है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप कहते हैं कि यार मैं छह चीजें तंग कर रही हैं ना, मैं बाकी पांच की साइड पे जो सबसे आपको इजीली सॉल्वेबल चीज है ना, आप उसको पकड़ लेते हैं। आप कहते हैं यार पहले इसको तो सॉल्व करें, बाकी चीजों को बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो आप बाकी सारी चीजों को भूल जाते हैं और एक वेरिएबल को सॉल्व करते हैं। जब एक वेरिएबल सॉल्व हो जाता है तो फिर आप कहते हैं अच्छा आप जो अगला चीज परेशान कर रही थी उसको साथ रखते हैं कि पहला भी सॉल्व रहे लेकिन साथ दूसरा काम भी हो जाए। तो हम भी यही करना चाह रहे हैं। पहले हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, हमने कहा डिस्प्ले को तो भूल जाओ, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। आवर्स और मिनट्स को हमने जनरेट करना, आवर्स और मिनट्स को अगर मैंने जनरेट करना है तो मैं उसमें भी मैंने कहा अच्छा मिनट्स को देखते हैं आवर्स को भी भूल जाए। तो ऑल आई नीड इज कि मुझे हर एक मिनट के बाद, पहले जीरो चल रहा है, एक मिनट के बाद वन हो जाए, एक मिनट के बाद टू हो जाए, एक मिनट के बाद थ्री हो जाए, और जैसे ही वो 59 हो तो उसके एक मिनट के बाद दोबारा जीरो हो जाए। इस किस्म का कुछ चाहिए काउंट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रजिस्टर, एक रजिस्टर बना सकता हूँ जिसके अंदर ये वैल्यूज पड़ी हूँ उसको, और उसको कब में इंक्रीमेंट उसके साथ कर देते हैं, उसको इंक्रीमेंट भी करना है। तो यानी उसी की जो भी वैल्यू आ रही है उसको मुझे क्लियर भी कर दे जी, क्लियर कर दे सर। फिर कब क्लियर करें? ये जब 59 पे चला जाए। लेकिन उसको इंक्रीमेंट कब करूं? सबसे पहली बात है क्या मैं हर साइकिल में करता रहूं, क्योंकि क्लॉक तो मेरा 100 मेगाहर्ट्ज का है। क्लॉक तो मेरा 100 मेगाहर्ट्ज का है, तो मैं तो इसको 100 मेगाहर्ट्ज पे तो नहीं करना चाहता है। मतलब मैं तो चाहता हूँ एक मिनट के बाद इंक्रीमेंट हो, तो उसका क्या कर सकते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि इस रजिस्टर का अगर ये मिनट्स वाला है तो इसका इनेबल होना चाहिए कि नहीं? क्या मैंने आपको यही कहा था ना, रजिस्टर जब भी बनाए पहले सोचे इनेबल होना चाहिए कि नहीं, इसका इनेबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इनेबल होने के लिए आपको देखना है क्या कभी कोई ऐसा साइकिल आ रहा है कि जब मैं चाहूँ कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं तो चाहता हूँ पूरे मिनट के लिए इसकी वैल्यू सेम रहे, तो इसका मतलब है कि इसको वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो इसका अलावा इनेबल है, आप इनेबल को जीरो कर दिया करेंगे, ठीक है। तो ये इनेबल कहाँ से आएगा, कब मैंने इसको इंक्रीमेंट करना है? हर साइकिल पे सर इसको इंक्रीमेंट करने की? नहीं, ये तो मिनट्स वाला है ना, ये जो काउंट आ रहा है ये तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे मिनट्स हैं, ठीक है। तो ये हर साइकिल में करूंगा तो ये तो एक सेकंड में 100 मिलियन टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएंगे ना। तो मैं इसीलिए तो इनेबल डाला है कि यार नहीं, मैंने हर साइकिल में नहीं करना, मैंने हर कब करना है इसको,
इंक्रीमेंट हर सेकंड बाद, हर मिनट बाद, क्योंकि ये मिनट्स चाहिए ना मुझे, जी, हर जी, मिनट बाद इसको, इसका मतलब है मुझे हर मिनट के बाद इसको, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए फिर, इस इनेबल का सिग्नल कैसा होना चाहिए? इनेबल का सिग्नल कितनी देर बाद आना चाहिए? 50 सेकंड के बाद, 59 सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद आना चाहिए, ठीक है? हर मिनट के बाद अगर मैंने एक जनरेट करवाना है सिग्नल, वो कैसे करूं? सर 60 सेकंड के बाद कराएंगे ना, क्लियर कर दे सर फिर मेरे ख्याल में। नहीं, एक सिग्नल मुझे ऐसा चाहिए अब जो कि, अब आपने अगर थोड़ा सा देखा हो तो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था वही दोबारा यूज हो रहा है। मुझे चाहिए एक सिग्नल जो कि इसको एक सेकंड, एक साइकिल के लिए इंक्रीमेंट कराए, और दूसरा वो कितनी कितनी देर बाद आए? एक मिनट के बाद, गैप इनके दरमियान 1 मिनट। तो रजिस्टर लगाए सर, तो जिस तरह हमने अभी सेकंड बनाया था, ये जो हमने अभी पिछला थोड़ी देर पहले बनाया था, ये जो एक सेकंड पे दे रहा था जी, सिर्फ इसका ये काउंट मुझे चेंज करना चाहिए ऐसे कि ये एक मिनट का बन जाए, ठीक है? तो मुझे ऑल आई नीड इज कि मैं बिल्कुल उसी तरह जो मैं पहले कर रहा था कि एक रजिस्टर बनाऊं जिसको मैं इंक्रीमेंट करता जाऊं, जो साइकिल्स को काउंट कर रहा हूं, और ये जब इक्वल इक्वल टू समथिंग हो, तो यानी कि एक मिनट हो जाए, तो उसी की बेस पर इसको मैं क्लियर भी कर दूं, ठीक है? जो हर मिनट के बाद अपने आप को क्लियर भी कर रहा हूं, और वही वाला जो क्लियर आ रहा है उसको मैं एक इनेबल के तौर पे भी यूज कर दूं अपने मिनट काउंटर के। सिर्फ मुझे ये वैल्यू फिगर आउट करनी है कि ये क्या है, ठीक है? और ये फिगर आउट बड़े आराम से की जा सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि एक सेकंड के अंदर कितने आ रहे थे, 100 मिलियन साइकिल्स, ठीक है? 60 सेकंड्स में कितने आएंगे, 60 × 1000 मिलियन, ये आपके पास 6000 मिलियन आ जाएंगे, या 6 गीगा साइकल्स आ जाएंगे, ठीक है? इन अदर वर्ड्स, तो हर 6 गीगा साइकल्स के बाद, ठीक है, मुझे इसको क्लियर करना है, तो उस वक्त तक एक मिनट हो चुका होगा। ऑब्वियसली ये बनता है मेरे पास 6000000000, और क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट हो रहा था तो मुझे इससे एक कम चाहिए वैल्यू, तो वो बनेगी 5 5 9 9 9 9 9 9 and 9 9 9। सो दिस इज द वैल्यू, अगर मैं इस पे क्लियर करूं इसको, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 5 9 9 9 9 9 9 9 9, इस पे इक्वल हो जाए अगर, तो मैं क्लियर करूं, तो इतने तो ये तकरीबन 6 बिलियन साइकल्स गुजर गए, ठीक है? तो गीगा या बिलियन एक ही बात है, तो 6 बिलियन साइकल्स गुजरने के बाद हम इसको क्लियर करें, तो क्योंकि एक सेकंड के अंदर 100 मिलियन साइकिल गुजर जाते हैं, तो 60 सेकंड के अंदर 6 बिलियन साइकिल गुजर जाएंगे। एक सेकंड में अगर 100 मिलियन है, 10 सेकंड में 1 बिलियन हो जाएंगे, 60 सेकंड में 6 बिलियन हो जाएंगे, ठीक है? और इसी को अगर मैं इनेबल के तौर पे बना दूं, तो अब ये वाला मेरा काउंटर जो है ये मुझे मिनट्स निकालना शुरू कर देगा, ठीक है? क्योंकि अब ये वाली पल्स जो आ रही है ये एक एक मिनट के बाद आ रही है, ठीक है? और ये एक एक मिनट के बाद आ रही है, तो यहां पर एक मिनट के बाद जब आएगी तो ये इंक्रीमेंट होगा, अगर जीरो था तो 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया एंड सो ऑन। एक प्रॉब्लम रह गया कि हमने इसको 59 पे वापस जीरो भी करना था, ठीक है? तो वो कैसे करें? जब ये 59 हो तो मैं वापस जीरो कैसे करूं? क्लियर कर दे सर। क्लियर कर दे, तो मैं चेक कर लूं कि जब ये इक्वल इक्वल टू 59 हो गया है तो मैं इसको क्लियर कर दूं। क्या सीधा जैसे ही 59 हो जाए उसी वक्त क्लियर कर दूं? ये एक एक मिनट इंक्रीमेंट हो रहा था, एक मिनट में आया जीरो, फिर अगले मिनट में आया वन, फिर अगले मिनट में आया टू,
फिर अगला मिनट आया 3, फिर जैसे ही 59th मिनट आया, अगर मैंने अगर उसी वक्त क्लियर कर दिया तो ये 58 के बाद 59 होगा और उसके बिल्कुल साथ ही क्लियर हो जाएगा, यानी कि पूरा मिनट नहीं रहेगा, हालांकि 59 मिनट भी तो पूरा करना है हमने, बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है, यानी यहाँ पर ये था 58, यहाँ पर हमने जैसे ही 59 किया, अगर इस पे ही क्लियर कर दिया तो ये तो इधर ही वापस जीरो हो जाएगा, हमने तो ये पूरा मिनट गुजारना था 59 पे, इसके लिए क्या कर सकते हैं? 60 कर दे सर। अगर एक तरीका हो सकता है 60 कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगा कि यानी जैसे ही 60 होगा उसी पर क्लियर हो जाएगा, और एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं इसको इनेबल के साथ एंड कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब 58 था इनेबल आया, अगले साइकिल में 59 हुआ था, अब अगला इनेबल क्योंकि आना ही एक मिनट के बाद है तो ये उस पूरे टाइम पे क्लियर नहीं होगा क्योंकि इनेबल इसके साथ एंड हुआ होगा, ठीक है, इसको मैं इसका क्लियर बना सकता हूं। यहां तक चीज क्लियर हो रही है? यस सर। ठीक है, अब ये होगा कि यहां से इस साइकिल के बाद 59 होगा, लेकिन क्योंकि उस वक्त इनेबल नहीं आया होगा तो जब अगला इनेबल आएगा तो ये क्लियर होगा, ठीक है, ओके। तो हमने अब वो जो डिवाइड एंड रूल कर रहे थे तो हमने डिवाइड करके मिनट्स तक पहुंच गए, तो पहला काम तो हो गया। आर्थ के लिए क्या करें? ये वाला आप जो हमारा काउंट है ये मिनट्स का आ गया ना, अब ये बिल्कुल ठीक ठीक काम कर रहा है, ये वाला पहला काउंटर जो है ये एक मिनट गुजारता है इनेबल करता है तो ये मिनट इंक्रीमेंट हो जाता है, ये वाला जो काउंटर है ये हर मिनट के बाद इंक्रीमेंट होता जाता है होता जाता है, और जब ये 59 होता है और साथ इनेबल आ रहा होता है तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, तो इसका मतलब है पूरे 59 मिनट हो गए और उसके बाद भी एक मिनट गुजर गया जब इनेबल आया तो हमने क्लियर कर दिया, तो दोबारा जीरो कर दिया, तो मिनट तो इसी तरह चलते हैं 0, 1, 2 अप टू 59। आर्स का क्या करें? उसी तरह एक रजिस्टर बना दें, एक और रजिस्टर बना दें, और उसको भी हमें क्या करना चाहिए? इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करते जाना चाहिए, और उसको भी हमें क्लियर करना चाहिए, कब भला? जब वो 23 हो जाए, इसका इनेबल होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए सर, होना चाहिए। तो इसको कब इंक्रीमेंट करना है? 59 मिनट जब एक आर गुजरेगा, ठीक है, और इसका क्लियर होना चाहिए जब 23 हो उसी पे क्लियर कर दें या कुछ और भी करना चाहिए? नो सर, 23 तो क्लियर नहीं, इनेबल के साथ एंड कर दें, इसको भी इनेबल के साथ एंड कर दें, ठीक है, ओके। अब इसका इनेबल कहां से लाऊं? तो ये वाला और ये वाला है तो देखने में बिल्कुल एक तरह का ना, सिर्फ ये फर्क है कि ये 59 पे क्लियर हो रहा है, ये 23 पे। सर इसका इनेबल तो मिनट्स से आएगा ना हमारे पास, मिनट्स जब 59 होते हैं और क्लियर सिग्नल और इनेबल आता है तो ये हर एक घंटे बाद क्लियर होना है इसने, ठीक है, ये 0 से 59, तो जब ये क्लियर हो रहा है तो इसी सिग्नल को मैं उठाकर इसका इनेबल बना सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो क्लियर का सिग्नल था ये कब वन हो रहा था? जब पूरे का पूरा मिनट गुजर जाता है, ठीक है। अच्छा चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको थोड़ा सा क्लीन करके बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हमने जो पूरा डिजाइन बनाया वो ये बनाया कि हमने कहा कि मेरे पास एक रजिस्टर है और इसको मैं इंक्रीमेंट किए जा रहा हूं, और जब ये इक्वल इक्वल टू 5999999999 होता है जो कि 6 बिलियन के होता है, तो इसका अंदर एक मिनट गुजर चुका होता है, इसको मैंने इस पे क्लियर कर दिया, रीसेट कर दिया। जब मैं इसको क्लियर करता हूं तो यही वाला सिग्नल जो है ये बता रहा है कि एक मिनट गुजर गया, ठीक है। इस क्लियर को मैंने एक और रजिस्टर का इनेबल बना दिया जो कि एक मिनट का इंक्रीमेंट होना था, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई आप इंक्रीमेंट होंगे एक मिनट पे, ठीक है, सो दिस इज इनेबल। और हमने कहा कि जब मिनट इक्वल इक्वल टू 59 हो, ठीक है, एंड ये इनेबल भी आ जाए तो इसको भी क्लियर कर दें, ठीक है।
तो ये क्लियर जो था, ये वाला क्लियर आ रहा था 1 मिनट के बाद, ये वाला क्लियर आ रहा है 1 घंटे के बाद, क्योंकि ये 59 मिनट्स पूरे होने के बाद आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा इसको इनेबल बना देते हैं ऑफ अनदर रजिस्टर जो कि घंटा चला रहा हो। ठीक है, तो हम कहेंगे इसको भी प्लस प्लस करते जाए, और ये जब इक्वल इक्वल टू 23 हो, और इसी के साथ मैंने एंड कर दिया इसको। ठीक है, इसको क्लियर बना दिया, इसका इसको इनेबल बना दिया। तो ये अगर मैं काम कर लूं तो ये जो काउंटर है ये मुझे दे देगा मिनट्स, और ये वाला जो काउंटर है ये मुझे दे देगा आवर्स। तो ये जो हम पिछले सफे पर डायग्राम बना रहे थे कि जो लेफ्ट साइड वाला काम है कि जो इस तरफ का बंदा था उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि जिसने क्लॉक से मिनट्स भी जनरेट कर दिए, क्लॉक से आवर्स भी जनरेट कर दी। सिर्फ एक छोटी सी चीज इसके अंदर रह गई, और वो छोटी सी चीज क्या है कि ये काउंटर कितनी बिट के रजिस्टर है। ठीक है, हम थोड़ा सा टिक डाल के ऊपर लिख देते होते। तो 23 तक इसने जाना है, तो ये तो हमने कह दिया था 5 बिट। इसने 64 तक जाना तक जाना है, तो 6 बिट हमने कह दिया। वट अबाउट दिस काउंटर, इसने तो 6 बिलियन तक जाना है। ठीक है, तो 6 बिलियन तक कितनी बिट्स काफी होंगी? ये कैसे निकाले? ये तो आसान नहीं। 64 तक थी। इसके लिए आप log बेस 2 ऑफ 6 बिलियन लेंगे। ठीक है, तो जितना आएगा ये मोस्ट प्रॉब्ली आपके पास आ जाएगा 32 point something। ठीक है, तो जिससे आपको, क्योंकि पॉइंट में भी आ रहा है, इसका मतलब एक ऊपर चले जाना चाहिए, तो 33 bits कम अज कम हमें चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर से लेकर देख लेना, मैंने इसको फौरन बता दिया, क्योंकि लॉजिक डिजाइन वाले जो है ना वो इस तरह से देख रहे होते हैं कि अगर गीगा आ गया ना तो ये 2^30 के करीब होता है, तो 6 गीगा का मतलब है 6 बिट के लिए 3 बिट चाहिए होंगी 6 के लिए, और गीगा के लिए चाहिए होंगी 30 bits, तो टोटल 33 bits बन जाएगी। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट आपको नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप लॉग बेस 2 ऑफ 6 बिलियन लेना, तो आपके पास 32 point something आएगा। इसके अंदर 32 से ज्यादा बिट्स चाहिए लेकिन 33 से कम चाहिए, तो आप, लेकिन मतलब आधी बिट तो नहीं हम रख सकते, इसलिए हम पूरी 33 bits ही रख लेते। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर शो? यस सर, क्लियर शो। ठीक है, चलें जी। सो नेक्स्ट जो हमने डिवाइड एंड रूल किया था उसमें ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, अब आ गया डिस्प्ले को कैसे करें। ठीक है, सो डिस्प्ले के लिए हम दोबारा आ जाते हैं कि इसका डिस्प्ले काम कैसे कर रहा है। वी ऑल नो कि 7 सेगमेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, मे बी मैं अगली स्लाइड पे आ जाता हूँ। 7 सेगमेंट तो आपके इस तरीके से काम करते हैं कि ये आपके 7 सेगमेंट होते हैं, और हमने इसको कहा हुआ है ए बी सी डी, इसी तरह था, गलत तो नहीं मैंने लेबल कर दिया, जी दरमियान वाला ऐसे ही था ना आप लोगों ने बनाया हुआ। यस सर। ठीक है, अच्छा जब आप FPGA पे जाते हैं ना तो वहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज भी होती है कि आपने अगर 4 7 सेगमेंट लगाए हुए हैं ना इस केस में, तो अब आपके हर 7 सेगमेंट के लिए आपको 7 लाइन्स चाहिए होंगी। ठीक है, कॉमन कैथोड हो या कॉमन एनोड हो तो एक 8वीं लाइन भी चाहिए होगी, तो ये तो आपके पास 8, 4 और 32 आउटपुट चाहिए होंगी, तो हम बहुत सारी पिने नहीं चाह रहे होते। तो इन्होंने क्या किया हुआ है डिजिलैंड वालों ने, जो कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप अगर नेक्सस 3 में जाएं और इसके 7 सेगमेंट वाले सेक्शन में चला जाता हूं मैं, लट से 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो इधर अगर आप इसको देखेंगे ना, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको कहेगा कि भाई कि मैंने जो है ना ए बी सी डी ई एफ जी और ये डी पी ए डॉट पॉइंट जिनके साथ छोटा सा पॉइंट लगा हुआ है कि मैंने इन सब को एक ही तार से कनेक्ट कर दिया और इनके एनोड अलग अलग रख दिए। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां से एक ही ए आ रहा है जो यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर भी कनेक्टेड है और यहां पर भी कनेक्टेड है। इसी तरह एक ही बी आ रहा है जो यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर भी कनेक्टेड है, यहां पर भी कनेक्टेड है और यहां पर भी कनेक्टेड है। तो अब
इसी तरह सी डी ई एफ जी सारे आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो हर एक पर डिफरेंट डिस्प्ले करवाना है, मैं तो इस तरह नहीं कर सकता, ठीक है। मैं अगर आर्स और मिनट्स बाहर निकालूंगा तो मैं तो आर अगर लेट से के 12:03 हुए, ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि ये 1 इस जगह पर डिस्प्ले हो, ये 2 इस वाले पर डिस्प्ले हो, 0 इधर हो, 3 इधर हो। तो अगर ये सारे एक से ही कनेक्टेड हैं तो ये तो सारों पर सेम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो फिर ये कैसे, फिर इन्होंने ये चार लगाई क्यों है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो इन्होंने ना चारों के एनोड डिफरेंट रखे हुए हैं, ठीक है। अब चारों एनोड डिफरेंट रखने का क्या मतलब है कि मैं चाहूं तो मैं बाकियों को ऑफ कर सकता हूं, ठीक है, कि जब भी मैं एनोड को जीरो करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, वन करूंगा तो ऑन, या वाइस वर्सा, जो भी जीरो या वन मैं बास का मिक्स कर देता हूँ कि किस पे ऑन होना था किस पे ऑफ। तो लेट्स से के जीरो पर ऑन ऑफ होना था, वन पे ऑन था। तो मैं अगर जिस चीज को जीरो कर दिया तो मैं कहता हूँ कि मैंने इसको वन कर दिया और इसको जीरो कर दिया, तो उस वक्त जो भी डिस्प्ले करेंगे वो इस वाले डिस्प्ले होगा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद इसको जीरो कर दिया, इसको वन कर दिया, तो फिर इस पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको वन कर दिया तो इस पर डिस्प्ले हो गया। और अगर मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इस पर डिस्प्ले करूं, इस पर डिस्प्ले करूं, इस पर डिस्प्ले करूं, इस पर करूं, और मैं तेजी से ये करता जाऊं, तो हमारी आंखों को लगेगा कि चारों पर डिफरेंट चीज डिस्प्ले हो रही है, जबकि असल में वो एक एक करके डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। और ये बड़ा कॉमन है, ये आपके साथ होता है, आप अभी जो मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं उस वक्त भी असल में यही हो रहा है, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि कोई वीडियो आप प्ले करें तो आपको लगता है कि वो वीडियो प्ले हो रही है, लेकिन असल में वो अमूमन कोई 25-30 फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही होती है, कि एक सेकंड के अंदर 25-30 तस्वीरें असल में एक एक करके डिस्प्ले होती हैं, लेकिन वो जब हो रही होती हैं तो हमें लगता है कि चीज़ कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। ये हमारी आंखों को इसी तरह लगता है। इसकी मिसाल क्या है कि आप जब पंखा चल रहा हो तो आपको उसके पार नहीं नजर आ रहे होते ना, क्योंकि आपकी आंखें उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, या गाड़ी चल रही हो तो उसके वो भी नजर नहीं आ रहे होते। ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पर क्लास को रोकता हूँ, मे बी ये वाला इंटरेस्टिंग डिस्कशन है डिस्प्ले वाली, हम अगली क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे और विल ट्राई टू मेक फुल डिजिटल क्लॉक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम बाकी का जो पार्ट है यहाँ तक है, आप इस पर सोचेंगे इस पर कैसे काम करना है, आप इस वाले हिस्से पर ये वाला जो नेक्सस 3 रेफरेंस मैनुअल सर्च करेंगे ये आपको मिल जाएगा, इसका ये सेक्शन पढ़ें, इसमें इन्होंने ये बताया भी हुआ है ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए, सॉरी मैं उल्टा कह रहा था, नोड को जीरो करेंगे तो ऑन होगा, ठीक है, जीरो करें फिर दूसरे नोड को जीरो करें, फिर तीसरे को करें, फिर चौथे को करें, तो ये ऑन होता जाएगा, और एक डिजिट डिस्प्ले करें, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यही स्ट्रेटजी हम करेंगे। तो इस पे आप लोगों ने आपको थोड़ा सा वर्क करना है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग इधर स्टॉप करता हूँ।